बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम या आले इस्लाम मदद में आप तमाम मोमिन के साथ जाफरी दीदान और आप सबको ज़ियारत करवाने लगा हूँ मकाम शहजादा अली असगर अकबर। दोनों शहजादों की ज़ियारत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये इशारे सिदरा कहलाती है। सामने ये दरवाज़ा है रोज़ा मौला इमाम हुसैन है जिसका नाम है बाबे सिदरा। इस दरवाज़े पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका अपना सिदरतुल मुंतहा। इस रोड पर आपने आना है, इस दरवाजे से बिल्कुल पास में दो मिनट की वॉक है। दो मिनट की वॉक करके यहाँ तक आना है। इसके सामने आपको 5 मुहर्रम से लेकर आशूर तक यहाँ पर आज़ादारी होनी है, मरकज़ी आज़ादारी जो होती है, और उसी के सामने ये छोटी सी शाहरा है। इस शाहरा में आपने दाखिल होना है। इस शाहरा पर आप दाखिल होंगे तो आपको शहजादा अली असगर की मकाम शहजादा अली असगर के झूलों की ज़्यारत होगी। ये वो मकाम जहाँ पर मेरे मौला शहजादा अली असगर को बर्छी लगी। आइए मैं आपको तीर लगा गले पे और मैं आपको इसकी ज़्यारत करवा रहा हूँ। ज़्यारत कीजिएगा तमाम आमनीन और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इस ज़मीन करबला पर चलते हुए 4 मुहर्रम होने को है और इंशाल्लाह आप तक करबला की अपडेट करता रहूँगा ताकि आप तमाम आमनीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं इस साल ना आ सके किसी ना किसी वजह से, मेरा मौला आप सबको भी इस ज़मीन करबला का जवार बनाए। तो ये एक झूला ये है। और एक झूला ये है, इसकी भी मैं आपको ज़्यारत करवा देता हूँ। ये मकाम शहजादा अली असगर पर रखे हुए दो झूले। सबके लिए दुआ और ख़ास तौर पर उन तमाम मोमिनीन के लिए दुआ जो बे औलाद हैं, मौला शहजादा अली असगर के इन झूलों का सबका भी उनको औलाद नसीब करे। जिसकी भी दुआएं हैं मौला, जो भी परेशान हैं, जो भी बे औलाद मोमिनीन हैं जहां कहीं भी बसते हैं इस दुनिया में, मेरा मौला सबके लिए आसानियां करे और सबको जो है शहजादा अली असगर का सबका औलाद नसीब हो। अब यहीं से चलते हुए मैं आपको मकाम शहजादा अली असगर अकबर की जानिब लेके जाता हूँ। ये दोनों मकाम जाए शहादत हैं, मौला शहजादा अली असगर का भी, मकाम शहजादा अली अकबर का भी। शहजादा अली असगर को यहाँ तीर लगा था और आगे आपको मकाम दिखाने लगा हूँ जहाँ पे मौला शहजादा अली अकबर को बर्छी लगी। यहाँ से चलते हुए, इन गलियों से गुजरते हुए बहुत सारी यादें होंगी बहुत सारे मोमिनीन की। इस ज़मीन करबला पर इन गलियों से चलते हुए आपने ज़ियारात भी की होंगी। मौला आप सबको दोबारा इन शाहराओं पर इन सारी गलियों में चलना नसीब करे, एतराफा की तमाम ज़ियारत करना नसीब हो। मैं अब आपको यहाँ से लेके जा रहा हूँ मकाम शहजादा अली अकबर। यहाँ से आगे 1 मिनट की वॉक है, ऐसे ही चलूँगा। तो ये सारा बाजार है, छोटी सी गली है, और इसी तरह से चलते हुए मकाम तक पहुँचूँगा। सबके लिए बहुत सारी दुआ कि मौला आप सबको भी इस ज़मीन करबला का जवार बनाए। शहजादा अली अकबर का सदका हर एक मकाम पर आपको उठना बैठना ज़ियारत करना आप सबको नसीब हो। यहाँ से अब करीब है ज़ियारत शहजादा अली अकबर की। यहाँ से बिल्कुल करीब जा रहा हूँ, अब आप ज़्यारत कीजिए मकाम शहजादा अली अकबर। जितने भी मोमिन देख रहे हैं सुन रहे हैं जब तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ज़्यारत कीजिए शहजादा अली अकबर की। दुआ कीजिए मौला हुसैन से कि मेरा मौला हुसैन शहजादा अली अकबर का सदका आप सबको इस साल इस ज़मीन करबला का सवार बनाए और आप तमाम मोमिनीन जो हैं मौला के बच्चों का पुरसा इस ज़मीन करबला पर दे सके। जितने भी मोमिनीन तैयार हैं 40 पर आने के लिए, मेरा मौला उन सबको भी खैर वापस से इस ज़मीन करबला पर लेकर आएँ। और जितने भी मोमिनीन की ख्वाहिश है कि उनको नसीब हो ज़्यारत, मेरा मौला उन सबकी भी गायबाना मदद करे और उन सबको भी ज़्यादा नसीब हो। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा करबला से ताकि आप तमाम मोमिनीन ये सारी ज़ियारत देखते रहें।
और दुआएं करते रहें और दुआ में शामिल रहें। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम।